नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज़ सी। दोस्तों, आप डाल डाल तो हम पात पात, यह जे की मैसेज बहुत प्रचलित जे की मैसेज है, और इसको जे की आज मैं फिर से अपने इस वीडियो में जे की आपको बता रहा हूं। दोस्तों, आप डाल डाल और हम पात पात, यह जे की मैं क्यों कह रहा हूं कि मोदी जी डाल डाल जी की घूम रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जी की पात पात घूम रही है। सुप्रीम कोर्ट के डिवाइस चंद्रचूड़ साहब का रिटायरमेंट जी की चंद दिनों में जी की होगा, इसी साल के अंत में जी की वो रिटायर जी की हो जाएंगे। लेकिन रिटायर होने से पहले डिवाइस चंद्रचूड़ साहब उस चीज को करना चाहते हैं जो एक इतिहास बन जाना चाहिए। और दोस्तों, इसी खबर को लेकर के बहुत आज ये की निगेटिव मैसेज ये कि बीजेपी एंड कंपनी के अंदर ये की गई और बौखलाई ये कि मोदी गवर्नमेंट और बीजेपी एंड कंपनी के लोग सुप्रीम कोर्ट पर ये कि सवाल ये कि उठाना ये कि चालू कर दिए, और इतनी विशिष्ट तरीका से ये कि सवाल उठाते हैं कि लोग दिमाग ये कि हिल जाते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं क्यों कहता हूं इस बात को कि मैं अपने चैनल पर सबसे पहले किसी खबर को लेकर के आता हूं, और वह खबर हमारे चैनल पर आने के बाद वह सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दिखाई देने लगता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे पहले खबर आपको जानकारी होगा। ये मेरा जे की पर्सनल जे की दावा है कि सबसे पहले जे की खबर हमारे चैनल पर जे की आती है, उसके बाद से जे की कुछ भी होती है। दोस्तों, मैं इस बात को जे की कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देश का चौथा स्तंभ जे की माना जाता है, लेकिन डिवाइस चंद्रचूड़ साहब ने इतना बड़ा जे की चाबुक चलाया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, क्या यह गलत हुआ है या सही हुआ है? इसका जवाब आप जरूर जी के देंगे। देश को बर्बाद करने में, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा अगर किसी ने रोल निभाया है तो वह है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मीडिया के लोग एक विशेष पार्टी का मीडिया जी के बनकर के रह चुके हैं, और इतने जी कि ज्यादा जी कि उस चीज को एक्सप्लोज करते हैं, उस चीज को जे कि बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं ताकि इससे लोगों के अंदर जे कि एक भ्रम पैदा हो जाए कि हमें जे कि कहां जे कि क्या करना है। कहा जाता है ना कि झूठ को इतना जे कि बोलो, इतना जे कि बोलो जब तक कि सच में तब्दील ना हो जाए तब तक झूठ बोलते रहना चाहिए। दोस्तों, यही हाल जे कि मीडिया वाला जे कि करता है कि आप लोग को मालूम होगा कि बेगूसराय में मोदी जी की रैली थी, वहां जी की तमाम जी की कुर्सियां खाली थी, लेकिन बेगूसराय की रैली को इतना बढ़ा चढ़ा करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जी की दिखाया जैसे लगा कि पूरा बिहार मोदी जी के पीछे जी की घूम रही है। वही हाल आजमगढ़ रैली में जी की हुआ, तमाम जी की कुर्सियां खाली थी, वहां से लोग जी की भाग रहे थे, बीजेपी की भाषण सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन टीवी टेलीविजन पे इतना दबा करके खबर को दिखाया गया जिससे लग रहा है कि पूरा उत्तर प्रदेश जी के मोदी जी के पीछे। इस बात को कहीं से न कहीं से जी के टेकअप किए जी की डिवाइस चंद्रचूड़ साहब, और जी की स्व स्व जी की इतनी जोरदार जी की झटका दिए बीजेपी एंड कंपनी को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कि उसका पसीना छूटने लगा। क्या यह काम जी की गलत हुआ या सही हुआ? आप अपना राय हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक बात जी कि मैं और जी बता देना चाहता हूं कि जिस मीडिया पर आपका भरोसा नहीं है उस मीडिया को इतना मजबूती कैसे मिलती है कि वह बार बार जी कि उसी खबर को दिखाने का प्रयास करता है जैसे कि लगता है कि उसकी जी की पर्सनल जी की मैटर जी की बन चुकी है। और इसी के कारण
देश में जो कि आज इतनी बड़ी जो कि दिक्कत और परेशानी का लोगों का सामना करना पड़ता है। मैं कई ऐसा उदाहरण दे सकता हूं कि आप लोग को मालूम होगा कि तमाम जो कि याचिकाएं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कि पड़ी है, लेकिन किसी पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कतई जो कि खबर दिखाना नहीं चाहती। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कि न्यूज चैनल है, पहले तो बहुत काफी जो कि चर्चा और जो कि बदनाम की दिशा में जो कि काम कर रहा था रिपब्लिक भारत, लेकिन अब जो कि नव भारत एक चैनल है जो सबसे आगे चल रहा है इस मामले में, और सिर्फ व सिर्फ जे कि मोदी का गुणगान करना और लोगों को गुमराह करने का कार्य जे कि करती है। इसी बात को लेकर के इतना जे कि तगड़ा जे कि झटका जे कि सुप्रीम कोर्ट ने जे कि बीजेपी एंड कंपनी मोदी और शाह को जे कि दिया है। दोस्तों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि कौन सा खबर जे कि हमें सुनना चाहिए और कौन सा खबर को इग्नोर करना चाहिए, लेकिन आज आपके सामने हमें ऐसा नहीं लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बीजेपी को छोड़ करके दूसरी चीज को दिखाने का प्रयास जे कि करती है। बीजेपी के पास क्यों ऐसा जे कि हो रहा है? क्या बीजेपी ने जे कि सबको जे कि खरीद लिया है, या सब लोग को डर है जिसके वजह से इस प्रकार की खबरें दिखा रहे हैं पूरी जोड़ शोर और जे कि पूरी डंके की चोट पर? इस टाइम जे कि सर्वे निकाल करके दिखा रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है, चुनाव से पहले बीजेपी को जिता रहे हैं सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों ने, लेकिन जो हकीकत खबर होती है उसको सामने लाने का प्रयास जे कि नहीं करते हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई एक्शन लेता है तो क्या गलती करता है? इस पर जे कि आप खुद जे कि विचार बना सकते हैं, सोच सकते हैं। आज जे कि बदनाम की स्थिति में पूरे विश्व की मीडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई बदनाम है तो अपने भारत का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जे कि बदनाम है। और जे कि तमाम तरीका से जे कि खबरें को दिखा करके, तमाम तरीका से खबर को दिखा करके, और जे कि ऐसा जे कि लोगों के अंदर जे कि एक बरगलाने का और जे कि गुमराह करने का आरोप बार बार लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेपर न्यूज, अखबार जे कि यह बार बार जे कि बीजेपी को ही जे कि गुणगान करती है, तो क्यों करती है? उसके पीछे जे कि क्या रहस्य है? क्या इसको कहीं से बैक सपोर्ट जे कि मिलता है? अगर बैक सपोर्ट नहीं मिलता है तो बात सुनाई जाती है, डांट सुनाई जाती है जी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पेट में दर्द होने लगता है मोदी और शाह को, ऐसा क्यों जी हो रहा है? मैंने कल जी कि जिस खबर को ये सुनाया था, आप लोग को बताया था अपने वीडियो में, कि डिटेक्टर की मांग करने वाले जी कि भारत में 89% लोग जी के हैं, उसके बाद इस खबर को इतना काफी जो है कि तेजी से अपने अपने चैनल पर जो कि लोग दिखाने लगे। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को मजबूत करें, ताकि जो कि सबसे पहले जो कि जो खबर आपको यहां से लॉन्च की जाए आपको जो कि मिले। और मेरी गारंटी है, यह मोदी की गारंटी नहीं है, यह हमारी जो कि गारंटी है कि खबर सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों, मैटर जो भी हो, चुनाव नजदीक है, और चुनाव नजदीक के साथ साथ आप लोग को मालूम होगा कि एनडीए गठबंधन टूटने के कगार पर जे की है। जितनी तेजी से बीजेपी एंड कंपनी के लोग जे की गठबंधन को बढ़ा रहे थे, मजबूत कर रहे थे, अब जे की वह जे की गठबंधन अब टूटने के कगार पर है। कल जे की चिराग पासवान ने पूरे जे की दमखम के साथ इस बात को जे कि भरी मंच के सभा से जे कि उन्होंने जे कि स्पष्ट कर दिया कि हमारी गठबंधन किसी भी एनडीए और इंडिया से नहीं है, हमारी गठबंधन बिहार की जनता से जे कि है। इससे क्या आपको लगता है कि बीजेपी की गठबंधन बिहार में जे कि बहुत मजबूत है? तीन राज्यों में जे कि बीजेपी
बैकफुट पर है, लेकिन मीडिया वाले सभी लोग इस बात को कहते हैं कि बीजेपी इन तीनों राज्य में जबरदस्त जीत हासिल करने जा रही है। यह शर्म की बात नहीं है मीडिया के लिए। मीडिया को थोड़ा सा भी शर्म अगर होता तो ऐसा एक बात नहीं कहता। चिराग पासवान जी की जिस तरीका से स्पष्ट किए हैं कि हमारी गठबंधन जी की किसी अन्य राजनीतिक दल से नहीं है, हमारी गठबंधन बिहार की जनता से है। उत्तर प्रदेश में जी की आप जानते हैं कि जिस प्रकार से लोगों को गठबंधन का हिस्सा बनाकर और जी की ज्यादा जी की फोकस करने की जी की बात कही जाती है, यहां जी की बीजेपी के लिए इतना चुनौतीपूर्ण जी के विषय जी की बन चुकी है कि यहां से 80 की 80 सीट जीतने का दावा करने वाला बीजेपी 30 से 35 सीट के अंदर सिमटने जा रही है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस खबर को जो कि 80 से 101% कह रही है कि 101% की जीत जो कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि 80 सीट अगर जीत जाती है बीजेपी तो 100% होता है, तो 101% ये कि कहां से लेके आता है, वो कौन सा जो कि उत्तर प्रदेश का ऐसा ये कि सीट है जहां से ये कि जीत जाएगी तो 101% ये कि हो जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं मिलने वाला है जिससे ये कि यह कयास लगाया जाए कि 101% ये कि बीजेपी चुनाव जीत रही है? इस बात पर विचार करना चाहिए आपको। और हर जगह यह देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसी चीज को दिखाया जा रहा है कि मोदी के रैली में हुजूम इतना काफी आ रहा है, इतना काफी जो है कि ज्यादा जो की जनसंख्या पहुंच रही है। तो आप जी की बताइए, जो सोशल मीडिया वाले लोग जो कि उस चीज को दिखा रहे हैं कि कुर्सी खाली है और मीडिया पर जो कि आरोप लग रहा है कि आप जे की लोगों को गुमराह करते हैं, तो क्या यह जे की बात गलत है? दोस्तों एक बार फिर से मैं जे की कहना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को मजबूत जरूर कीजिए। यह 2024 जो चल रहा है और आज नहीं तो कल 10 से 12 15 दिन तो नहीं लगेंगे उससे पहले जे की चुनाव का अनाउंसमेंट घोषणा ये कि जारी हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा। लेकिन आप जरा जे की इस बात को बताइए कि उस बीच ये कि अगर कोई चुनाव कराने वाला व्यक्ति जो उसका जे की अध्यक्ष है, जो मालिक है, वह व्यक्ति इस्तीफा दे दे तो उसके पीछे जे की क्या रहस्य हो सकती है? इस बात को जे की सबसे पहले हमारे चैनल पर जे की बताया गया कि अरुण गोयल इस्तीफा देने के लिए राष्ट्रपति को पहुंचे और जे की राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद से धड़ल्ले से इस खबर को जे की सोशल मीडिया पर जे की दिखाया गया, लेकिन और यह जे की खबर सच हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जे की थोड़ी सी इसकी झलक दिखा करके बात को समाप्त कर दिया गया। क्यों नहीं इस खबर को दिखाती है? डिटेक्टर जो कि भारत में 89% लोग लाने की मांग करते हैं, यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों नहीं दिखाती है इस बात को? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सपोर्ट में हैं, तो आप जो कि इस चीज को देखने का प्रयास कीजिए कि क्यों नहीं दिखाती है उस खबर को। जब क्या इस टाइम जो कि योगी और मोदी जी का बुलडोजर थम चुका है? क्यों इस टाइम जी की बुलडोजर नहीं चल रहा है लोगों के ऊपर? क्यों गैस की दाम जी की 100 रुपये जी की कम कर दी गई? और क्यों जी की किसानों के ऊपर जी की अभी तक जी की किसानों को जी की न्याय नहीं मिला? क्या इस खबर को जी की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिखाना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं दिखाती है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो कि अगर कोई दोषी ठहराता है तो उस व्यक्ति को डांटने और फटकारने का, आंख दिखाने का जो कि साहस क्यों कर रही है बीजेपी एंड कंपनी के लोग?
दूसरी बात एक मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जिस भी तरीका से गठबंधन ये की जा रही है, उत्तर प्रदेश में मायावती बीएसपी सुप्रीमो को किस बात का डर है? क्या वो अपनी संपत्ति जी की बचाने की और जे की अपने जे की उस चीज को जे की करने के लिए जे की गठबंधन के हिस्से में शामिल नहीं हो रही है? जबकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जानती है कि अगर जे की एक बार चेहरा जे की बन गई वह प्रधानमंत्री की, तो उन जे की 22% वोट था जे को बढ़ के 28% तक हो सकता है, लेकिन फिर भी वह गठबंधन में जे की शामिल नहीं हो रही है। किस बात का डर है उनको? अगर आप बहुजन बीएसपी से जे की आप ताल्लुक रखते हैं, तो इस वीडियो को जे की पूरा वॉच कीजिए और देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। हम पर्सनालिटी जी की बात नहीं करते हैं कि इस पार्टी को जे कि ज्यादा जे की वोट मिले और इस पार्टी को जे कि कम वोट मिले। वोट शेयर जे कि बढ़ता और घटता है, सीटें ज्यादा जीतती है, ज्यादा जे कि आती है, कम आती है, इसके लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से अगर अपने आवाज को दबा करके और जनता के साथ जे कि गुमराह जे कि करके जनता को, और आप चाहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ जी के आदमी हैं, तो आप जी की बिल्कुल गलत हैं। तमाम ऐसे जी के बीजेपी के एक प्रवक्ता जी के कह रहे थे कि बीजेपी जब से आई है तब से लोगों को बोलने का मौका नहीं दे रही है। करें एक बीजेपी इतना काम कर रही है, इतना ज्यादा जी की काम कर रही है कि लोगों को बोलने का, लोगों के पास कोई मुद्दा जी की नहीं रह रहा है। लेकिन आप जी की जनता जी की, आप समझदार इंसान है, आप जी की इस बात को जी के बताइए कि क्या जनता के पास संपूर्ण चीजें जी की उपलब्ध जी की हो चुकी है? हम मैं मानता हूं कि कोई सरकार जी की संपूर्ण चीज उपलब्ध नहीं करा सकती है। सबके पास कोई ना कोई जी की मजबूरी, दिक्कत, परेशानी जी की रहती है। लेकिन आप जरा जरूर बताएं कि क्या इससे बेहतर, बीजेपी से बेहतर किसी ने सरकार चलाया है या नहीं चलाया है? अगर जे कि चलाया है, तो फिर बीजेपी उससे जे कि पीछे क्यों जे की है? अगर पीछे है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उसका डंका जे कि बज रहा है, तो क्या यह सही है या गलत है? दोस्तों, एक बात और जे कि मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी को वोट करें या ना करें, इस विषय पर जे कि हमारी एक सर्वे जे की आई थी, उसमें 95% यह लोग कहते हैं, सोशल मीडिया की ताकत में बात कर रहा हूं, हमारी चैनल पर एक सर्वे आई थी, 2-3 दिन जे की हो रहा है सर्वे जे की आई थी, उसमें 95% लोग कहते हैं कि मोदी को चुनाव जिताना हमारे लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण जे की होगा, और ये कि उसके बाद ये कि पूरी जे की डंके की चोट से कही जा रही है कि हम जे की पूरे जे की 400 से ज्यादा सीट को जीत के ला रहे हैं। इस पर आप अपना राय हमें जरूर बताइएगा, और आप कहां से हैं, इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस कोने से देख रहे हैं भारत के, आप अपना जगह का नाम जरूर जे की ऐड कीजिए और कमेंट बॉक्स में आके अपना राय हमें जरूर बता सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।